तेह समीत पाणयो भगवन्तं पिपलादन उपासनः। प्रश्नोपनिषद के पहले, प्रश्नोपनिषद के पहले अध्याय के इस श्लोक में बताया गया है कि जिस प्रकार पलाश की सूखी हुई लकड़ी शीघ्र ही अग्निमय हो जाती है, उसी प्रकार विषय रस के सूखने पर मनुष्य का चित्त जो है तत्काल ज्ञान को ग्रहण कर लेता है। किंतु प्रश्न यह खड़ा होता है कि यह विषय रस आखिर सूखे तो कैसे सूखे, क्योंकि जब तक जीवन में, जब तक विषय वासना जीवात्मा को घेरे रहते हैं, किंतु विषय रस के इस घेरे को सुखाने के लिए कर्म कांड और तप ध्यान का सहारा लिया जाता है, किंतु वो साधन मात्र है, साध्य नहीं है। वो साध्य अर्थात अंतिम लक्ष्य तो ब्रह्म ज्ञान ही प्राप्त है, जिसका मार्ग स्पष्ट करने के लिए कर्म कांड किए जा रहे हैं, तो इस विषय से मुक्ति पाने और तत्वों को प्राप्त करने का रास्ता बनाने के लिए हमने अपने उदय इंडिया डिजिटल चैनल का माध्यम ही बनाया है। और आपके लिए मांडुक्य उपनिषद पर आधारित यह विशेष श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसका आज चौथा एपिसोड है। तो शुरू करते हैं आज की श्लोक से। यतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं चहुत्तयो राददायन तं नयन्ते तः सूर्यस्य रसमायो यत्र देवानं पतिरोको धीवासः। अर्थात इंद्र, पूषण, वरुण आदि देवता वास्तव में परमोपिता परमेश्वर की शक्तियां ही है, जो कि निष्काम भाव से अग्निहोत्र करने वाले जातक पर प्रसन्न होती है और ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि कराने में वो सहायक होती है। तो उपरोक्त श्लोक में बताया गया है कि जो भी अग्निहोत्री दीप्यमान ज्वालाओं से विधि पूर्वक आहुति देता है, आहुतियां उससे देवों की स्वामी इंद्र को प्राप्त करा देती है, जो स्वर्ग का अधिपति है। यह आहुतियां स्वाहा का उच्चारण करके प्रदीप्त अग्नि को लपटे में मध्यम में प्रदान की जाती है। आहुतियां ज्वालाओं में विलुप्त हो जाती है और उसके उपरांत यह ज्वालाएं सूर्य की किरणों में समाहित हो जाता है और फिर सूर्य के द्वार प्रकृति के हर कण तक पहुंच जाता है। और वास्तव में सूर्य परमेश्वर की वो श्रेष्ठ विभूति है, जिसका हम दिन प्रतिदिन दर्शन कर पाते हैं। अन्यथा परमात्मा की बाकी शक्तियों का प्रचन्न दर्शन नहीं होता, और इसीलिए आर्ष ग्रंथों में सूर्यों की उपासना को इतना महत्व दिया ही गया है। लेकिन अग्निहोत्र को विधिपूर्वक एवं निष्काम भाव से ही संपन्न करने पर मनुष्य को परमेश्वर की प्राप्ति होती है, यानी कि कर्म कांड का उद्देश्य भौतिक कामनाओं की पूर्ति नहीं चाहिए तथा उसे परमेश्वर की प्राप्ति का साधन बना लेता है। तो फिर उसे आगे हम चलते हैं। यह होती तमाहुतय सुभर्दसह सूर्यस्य रश्मिभिर् यजमानं वहन्ति प्रियं वाचम भिवन्तर्यो चयत्य एषवः पुण्यः सुकृत ब्रह्मलोकः। अर्थात जब मनुष्य विधि पूर्वक एवं निष्काम भाव से अग्निहोत्र को संपन्न कर लेता है, तो वही
विद्यमान आहुतियां भूत स्वरूप धारण करके यजमान से कहती है, आओ आओ, यह तुम्हारे शुभ कर्म से प्राप्त पवित्र ब्रह्मा लोक है, यह सूर्य लोक है, यह पितृ लोक है। इसी प्रकार मार्गदर्शन करते हुए प्रियवाणी से अर्चना करती हुई यह आहुतियां यज्ञकर्ता को सूर्य की रश्मियों द्वारा उसकी लक्ष्य तक ले जाती है। अग्निहोत्री का समय पूरा हो जाने के बाद उसके द्वारा दी गई आहुतियां सूर्य की रश्मियों का रूप धारण करके उसके सूक्ष्म शरीर को स्वर्गलोक में पहुंचा देती है। और वास्तव में स्वर्गलोक के सुखों का अनुभव पुण्यशील पुरुष को, पुण्यशील पुरुष की जीवात्मा को एक अनिर्वचनीय उच्चावस्था के रूप में ही होता है, तथा उसे सुख भोगों की ऐसे तृप्ति प्राप्त होती है जो उसे वैराग्य की ओर उन्मुख कर देती है। उनकी कोई भी कामना शेष नहीं रह जाती है। अब हम आगे चलते हैं। प्लवाहोते अद्रूढ़ा यज्ञारोपा अष्टादशोक् तमावरम यशो कर्मा यतन श्रेयो यविनन्दन्ति मृढ़ा जरा मृत्यंते पुनरे व्यापियन्ति। इन पंक्तियों में आपने देखा कि इन पंक्तियों में हजारों ऋषिगण क्या बता रहे हैं कि हालांकि यज्ञाति कर्म उपयोगी लाभप्रद और महत्वपूर्ण होती है, यज्ञाति कर्मों से चित्त शुद्धि होती है और यह ज्ञान प्राप्ति के सहायक होती है, किंतु यह सोपान यानी ये सिर्फ एक सीढ़ियां मात्र है, ये एक सोपान एक सीढ़ियां मात्र है। तो हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हमारा अंतिम लक्ष्य तत्व ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। यज्ञादि कर्म को कल्याण का अंतिम मार्ग समझकर उनमें संलग्न रहने वाले लोग मूढ़ हो जाते हैं, क्योंकि संसार सागर को उत्तीर्ण करने के लिए यज्ञादि कर्म अक्षम नौकाएं होती है। यज्ञ रूप कर्म को 18 नौकाओं वाला बेड़ा कहा जा सकता है, किंतु इन कर्म को निष्काम भाव से करना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि यज्ञ मुख्य का साधन नहीं होते तथा सांसारिक उद्देश्यों की पूर्ति की ही साधन होने के कारण निम्न होते हैं, और एकमात्र ब्रह्म ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। यह हमको हमेशा याद रखना है कि एकमात्र ब्रह्म ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। मूढ़ जन यज्ञ पूजन आदि करके स्वयं को अभिनंदित करते हैं तथा ज्ञान प्राप्ति की ओर प्रभुत नहीं होते हैं, किंतु जो विवेकशील पुरुष होती है, जो विवेकशील पुरुष होते हैं, वो ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और अविद्यावंतरे वर्तमान स्वयं धीरा पंडितं मन्यमानः जघयानां परियंति मूढ़ा अंधेनेव नियमाना यथानथा। अर्थात अविद्या के भीतर रहते हुए भी स्वयं को बुद्धिमान और पंडित अथवा महाज्ञानी मानने वाला मूढ़ जन कष्ट सहते हुए भटकते रहते हैं, जैसे अंधे के द्वारा ले जाने हुए अंधे विद्या का अर्थ आध्यात्मिकता प्रकाश को उत्पन्न करने वाला श्रेष्ठ ज्ञान है, तथा अविद्या का अर्थ अंधकार को उत्पन्न करने वाला मिथ्या ज्ञान अथवा अज्ञान है। आध्यात्मिकता का दृष्टि से मात्र भौतिक उन्नति एवं भौतिक सुख भोग संबंधी ज्ञान विद्या कतई नहीं होता है, वो निरंतर ज्ञान होता है। विद्या मनुष्य को भौतिक बंधन जो कि आस्विक से मुक्ति करा देती है। बुद्धिमान पुरुष
अविद्या से विद्या की ओर चला जाता है। श्रेय मार्ग विद्या का मार्ग है तथा प्रेय मार्ग अविद्या का मार्ग है। मित्रों, भौतिक सुख भोग विलासिता को ही जीवन का उद्देश्य मानने वाले भौतिकवादी मनुष्य को शक्तियों का ह्रास हो जाता है और उनकी जीवन का सौंदर्य विनष्ट हो जाता है। यह जीवन में उच्च स्तरों के लाभ से वंचित रहता है और पशु स्तर पर भोग रत कर रहने का कारण उसका आंतरिक विकास कतई नहीं होता है। भोगों की वासना मनुष्य को भटकाकर अंत में उसका दुर्गति कर देती है। इसलिए प्रख्यात वैज्ञानिक आर्य मिल्कन ने भौतिक सुख भोग पर केंद्रित भौतिकवादी जीवन दर्शन को बुद्धि की मंदता का शिखर कहा है तथा डार्विन के सहयोगी एवं महान चिंतक टीए हक्सले ने भी भौतिकता को निंदा की है। स्वयं डार्विन ने जीवन की अंत में मात्र भौतिकवाद के अनुसरण के जीवन सौंदर्य से वंचित रहना कहा है। ये कितना कितना वैल्यूएबल विषय है। हर श्लोक हर शब्द कितना मीनिंगफुल है। तो आइए अब फिर से आगे बढ़ते हैं। अविद्यायां बहुता वर्तमानाक्यं कृतार्था यतभिमान्यन्ति बालः यत्कर्मणो न प्रवेदयन्ति रागात् लेनातु राखिणा लोका रच्छन्यन्ते। तो इस श्लोक का क्या अर्थ है कि भौतिक उन्नति को ही जीवन का लक्ष्य मानने वाला मनुष्य भ्रांत एवं मूढ़ कहलाते हैं। श्रेय मार्ग को त्याग कर प्रेय मार्ग पर चलने वाला लोग अज्ञान ग्रस्त होते हैं। वो जीवन के उद्देश्य को नहीं जानते हैं तथा भौतिक सुख की अभिलाषाओं की पूर्ति करने में अमूल्य जीवन का जो भगवान ने दिया है, परमात्मा ने दिया है, उसको वो गंवा लेते हैं। वे सत्य को त्याग कर असत्य का सहारा ले लेते हैं और अंत में क्लेश दुख और अशांति के कारण आतुर हो जाते हैं। इन्हें दिन में शांति और रात्रि में प्रगाढ़ निद्रा जो है कतह नहीं मिलता है। कितना मूल्यवान बात है। अरे मित्रों, जिन धन संपत्ति के संचय के लिए जीवन मूल्यों और सिद्धांतों का परित्याग कर अनेक प्रकार की छल और कपट मनुष्य कर लेता है, यही छूट जाता है मित्रों। ब्रह्म बस वे सांसारिक सुख समृद्धि को ही जीवन की सफलता एवं कृतार्थता समझ बैठते हैं और भौतिकता की मृग मरीचिका में फंसे हुए मृत्यु पर्यंत भटकते ही रहते हैं। कलयुग में ऐसा अनेक उदाहरण आपको मिलेगा। और मृत्यु के बाद निरंतर योनियों में जाने के लिए बेवश हो जाते हैं। तो ये है कितना वैल्यूबल संदेश मांडुक्य उपनिषद का। और फिर से चलिए आगे चलते हैं। इष्ठापूर्त्यमन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छयो वेदयन्ते प्रामुढः नाकस्य पृष्ठते सकृते नुभृते मं लोकं हीनतं वा विसन्ति। सामान्य मनुष्य प्रायः भौतिक कामनाओं से ग्रस्त रहकर उनकी पूर्ति करते ही प्रयासरत रहता है। हमेशा क्या कि कामनाओं से ग्रस्त रहकर कामनाओं की पूर्ति करने में अनवरत वो लगा रहता है। मूढ़जन यज्ञ याग आदि इष्ट कर्मों को
सकाम होकर ही करते हैं। यज्ञ आदि कर्म स्रोत यानी श्रुति वेद के अनुसार तथा कुएं खुदवाना आदि कर्म स्मार्ता यानी स्मृतियों के अनुसार होते हैं। मनुष्य की ये आशा होती है कि उनके फल स्वरूप उनमें स्वर्ग की प्राप्ति, यश, कीर्ति और सम्मान आदि प्राप्ति होगी। वह इष्ट और पूर्त कर्मों की ही कल्याण का साधन समझते हैं। यद्यपि शुभ कर्म सकाम होने पर भी उत्तम होते हैं, तथापि वे मुक्ति प्रदान कतई नहीं कर सकता है। तो मुक्ति का एकमात्र साधन आत्मज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान है। आपने मार कर रहे होंगे कि बार बार हम एक ही बात कहते हैं, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान, उसी पे ही पूरा उपनिषद में फोकस किया गया है। मित्रों, मनुष्य शुभ कर्म का सुख भोग रूप फूल प्राप्त करने का फल प्राप्त करने पर तथा पुण्य की क्षीण होने पर चेतना की निम्न और निम्नतर स्तर पर भी उतर आता है। ऐसा अनेक उदाहरण आपने देखा है। फिर चलते हैं अगला श्लोक में क्या कहा गया है। तपः श्रद्धेय क्षुपव सत्यरणाय शांति विद्वांसो विवचर्या चरन्तः सूर्यधारेण ते विराजा प्रयान्तिः यत्रामूत सपुरुषो हव्यात्मा। क्या है कि शांत चित्त वाले मनुष्य तप और श्रद्धा का पालन करते हैं और रागरहित होकर सूर्य मार्ग से वहां चले जाते हैं जहां अमृतमय अविनाशी पुरुष स्थित है। आत्मा में रमण करने वाले ज्ञानी पुरुष समस्त मानसिक द्वंद्व एवं उद्योगों से मुक्त रहते हैं और निम्नांत शांत रहते हैं। वे निरंतर ज्ञान मग्न अवस्था में रहते हैं। अपना मन तथा इंद्रियों का सम दम आदि नियम का पालन करते हैं। तप होता है तथा जप ध्यान आदि करना श्रद्धा के उनके लिए उनका अंतर्गत होती है। ज्ञानी जन रज गुण अर्थात राग आसक्ति आदि दोष से मुक्त होते हैं और पुण्य पाप के द्वंद से भी मुक्त होते हैं। उनकी अत्यल्प आवश्यकता की पूर्ति आयाचित धन द्वारा हो जाती है। तत्व जिज्ञासु सात्विक एवं सदाचारी पुरुष मन की अचल अवस्था को प्राप्त करके निरंतर साधना रत रह के वो निर्मल सत्व गुण में स्थित रहते हुए अंत में सुषुप्न नाड़ी से प्राण त्याग कर सूर्यलोक के द्वार प्रथम पुरुष हिरण्यगर्भ को तथा क्रम कर्म मुक्ति से परमेश्वर की ओर प्राप्त होते हैं। परीक्ष लोकान कर्म चिंतान ब्रह्माण निर्भेमायान्मानस्य कृतो कृतेन तद्रिज्ञानार्थसः गुरुमेवावीच्छत् समित्पाणि भूत्रीय ब्रह्मनिष्ठम्। परम ब्रह्म विश्व की सूक्ष्म चेतना है। मात्र ग्रंथों की अध्ययन और कर्मकांड से ब्रह्मा का बोध कतई नहीं हो सकता है। ससीम एवं अनित्य कर्मकांड से असीम एवं नित्य परमात्मा का बोध नहीं होता है। ज्ञानी मनुष्य को पुण्य पाप आदि द्वंद से परे चला जाना चाहिए तथा सांसारिक सुख भोग के प्रति अनासक्त एवं वैराग्यवान हो जाना चाहिए। नित्यांत वैराग्य पूर्ण होने पर जल में कमल की शांति, कमल की जो भांति है, संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाने पर तथा भौतिक कामनाओं का त्याग करने पर ब्रह्म जिज्ञासु तत्व ज्ञान के उपदेश का मनुष्य अधिकारी होती है।
तो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मात्र स्वाध्याय करना ही पर्याय नहीं है। ब्रह्म ज्ञान का उपदेश गुरुमुख से ही प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही तो तत् तोयम असि अर्थात वह ब्रह्म तुहे का उपदेश कर सकता है। ओ गुरु कैसा हो तथा उसके पास कैसे जाना चाहिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु कैसा हो तथा उसके पास कैसे जाना चाहिए, यह भी जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। केवल क्षत्रिय अर्थात वेदों में पारंग तथा ब्रह्मनिष्ठ अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार द्वारा ब्रह्म में स्थित महापुरुष ही ब्रह्म को बोध कराने में सक्षम होता है। ब्रह्मा जिज्ञासु को सच्चे श्रद्धा भाव से युक्त एवं नतमस्तक होकर तथा हाथ में समीधा लेकर ज्ञान प्रदाता गुरु के चरण का आश्रय लेना चाहिए। तस्मै स वेदानुपरणाय तस्मयक प्रशांतचिताय समन्वयाताय यनास्वरं पुरुषं वेद सत्यं प्रवाच तां सत्यं चे ब्रह्म विद्यां। अर्थात ब्रह्मनिष्ठ महात्मा अर्थात गुरु सांसारिक विषयों से विरत साधक होके अपने आश्रम से ले चलता है विषय रथ से विमुख एवं निवृत्तपरायण साधक, जो सम अर्थात शांति वासनाओं से पूर्ण मुक्ति से युक्त होता है वह उच्च मानसिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है। एक श्रेष्ठ जिज्ञासु साधक ही ब्रह्म विद्या का पूर्ण अधिकारी होता है। ब्रह्म विद्या को ग्रहण एवं धारण करने के लिए एक ऐसे ही अत्यंत शुद्ध अंतकरण की हमेशा आवश्यकता होती है, और जो राग द्वेष भय घृणा क्रोध इस सारे विकारों से पहले आपको मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ महात्मा एक उत्तर अधिकारी को तत्व विवेचन सहित ब्रह्म विद्या का उपदेश करता है, जिसमें उसे अविनाशी परम पुरुष का बोध हो जाता है। अमृतमय ज्ञानोपदेश गुरु तथा शिष्य दोनों को कृतार्थ कर देता है। अमृतमय ज्ञानोपदेश गुरु एवं शिष्य, गुरु एवं शिष्य दोनों को कृतार्थ कर देता है। आज यही रखते हैं, फिर से आपसे मिलेंगे अगला एपिसोड में। ओम तत्सत, ओम नमो नारायणाय।